जिसी भी प्रकार का कोई कुछ काम होगा, यहाँ तक कि एसी में अगर गैस भी नहीं होगा तो हम लोग वो भी करा के देंगे। हम लोग इंश्योरेंस और ट्रांसफर का कोई चार्ज नहीं लेंगे कस्टमर से। ये टॉप मॉडल VLX है जो कस्टमर्स को इस गाड़ी को लेने के बाद एक रुपये का भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। प्राइस की बात करें तो हमारा फाइनल प्राइस इसमें होगा 1 लाख का। Hey guys, welcome back to my channel Pooja Vlog. आज मैं आपके लिए लेकर आ गई वो वीडियो जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इवन इतना सारा कमेंट कर रहे थे। तो वो वीडियो है बोलेरो का। इस वीडियो में मैं आपको बोलेरो दिखाने वाली हूँ तो एंड सब कुछ क्लियर करूँगी कि कौन से मॉडल की कार है, कितना किलोमीटर चला हुआ है, सब कुछ, फाइनेंस वगैरह, एक्सीडेंटल तो नहीं है कार, तो सब कुछ इस सेकेंड हैंड बोलेरो की वीडियो में क्लियर होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले ताकि रिगार्डिंग टू कार आप मुझसे बातें कर सकते। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट। आपके डिमांड की वीडियो स्क्रीन पे आ गई है। सबसे पहले सर से जानते हैं उनका नाम। मेरा नाम ऋषभ कुमार ओझा हुआ। ओके, आप यहाँ का अपने शोरूम का एड्रेस बता दीजिए। ये AR ऑटो डील्स शोरूम का नाम है जो कि रातू चट्टी में पड़ता है। रातू चट्टी रांची से आप मेन रोड से बात करें तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर इधर है। और लैंडमार्क की बात करें तो हमारा फन कैसल लैंडमार्क है। फन कैसल जी, आदिवासी स्कूल के सामने आप आएंगे तो आपको हमारा शोरूम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं वो रहा आदिवासी स्कूल और उसके जस्ट अपोजिट आपको AR ऑटो डील्स मिल जाएंगे, तो आप यहां आके कार परचेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी डिमांड की कार का वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ, तो बिना देर के चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। ये 2011 की गाड़ी है, बोलेरो SLE। तो आप जैसे कि डिमांड कर रहे थे कि 11 की गाड़ी लेकर आओ महिंद्रा की बोलेरो, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऑनर की बात करें तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी, टच अप है, ओरिजिनल, फुली ओरिजिनल, ओरिजिनल है। नंबर प्लेट की बात करें तो आप देख सकते हैं हजारीबाग नंबर प्लेट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ऑनर से फर्स्ट ऑनर है, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग और AC वगैरह मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग एंड AC मिल जाएंगे। कितना किलोमीटर चला हुआ है? किलोमीटर की बात करें तो लगभग 88,000 चला हुआ है। 88,000 चला हुआ है। और ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल, किसी प्रकार का कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं किया, मीटर में छेड़छाड़ हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। ओके, किसी गाड़ी के केस में अगर जो सेलर है अगर वही कुछ कर दें तो उसमें हम लोग चेक करा के लेते हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस अगर नहीं होगा तो हम लोग करा के देंगे। अच्छा, तो चलिए गाइस आपको मैं बोलेरो का ओवरव्यू करवाती हूँ। सबसे पहले आपको मैं इसके टायर की कंडीशन दिखा दूँ। स्क्रीन पे आप टायर देख सकते हैं। टायर चेंज है सर या ओरिजिनल? चेंज है। चेंज है तो आपको बता दूँ कि टायर जो है चेंज है। आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इसके साथ AC मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाएंगे, पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएंगे जो सर ने बताया था। सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल भी वेल मेंटेन कंडीशन में है। और आपको मैं इसका बैक सीट का व्यू भी दिखाना चाहती हूँ। तो मतलब मज़ेदार कंडीशन में आपको ये बोलेरो दिख रही है। तो सर अब आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। कॉस्ट प्राइस हमने रखा हुआ है इसका 2,90,000। तो गाइस इसका कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 2,90,000 है, जो कि थोड़ा मोटा डिस्काउंट, थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा जिसमें हम लोग इंश्योरेंस और ट्रांसफर का कोई चार्ज नहीं लेंगे कस्टमर से, तो वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो फ्री है। तो
आपको इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, ओनली कार का कॉस्ट प्राइस ही पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। तो चलिए अगली कार के बारे में जानते हैं। तो अगली कार भी वही है जो आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, स्कॉर्पियो वाइट कलर की, जो कि बहुत अच्छी दिख रही है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये 2008 की गाड़ी है। 2008 जी, 2008 मॉडल। और टचअप वगैरह है, ओरिजिनल है? फुली ओरिजिनल गाड़ी, ओरिजिनल नॉन एक्सीडेंटल और फुली ओरिजिनल गाड़ी है। कितना टचअप वगैरह का काम है वो हम लोगों ने कराया नहीं है, वो कस्टमर्स के पास। थोड़ा मोड़ा स्क्रैचेस और कलर उड़ा हुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब आप इसको परचेस करेंगे तो आपको ये सब क्लियर करके मिल जाएंगे। तो चलिए आप स्कॉर्पियो की डिटेल बता दीजिए। ये टॉप मॉडल VLX है, जो उस समय की सबसे टॉप मॉडल गाड़ी थी। अच्छा। और जिसमें आपको क्रोम वगैरह आप देख सकते हैं सारा लगा हुआ है, अलॉय व्हील आपको इसमें मिल जाता है। ऑल फोर ब्रांड न्यू टायर्स है इसमें। आप टायर्स की कंडीशन दिखा सकते हैं व्यूअर्स को। टायर की कंडीशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन सिस्टम इंफोटेनमेंट मिल जाता है। तो गाइज आप अंदर से आपको मैं कार का इंटीरियर दिखा रही हूँ, आपको दिख जाएगा। स्क्रीन फिटेड म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएंगे। पावर स्टीयरिंग आप देख सकते हो। सीट की कंडीशन आप देख सकते हो, वो भी बिल्कुल वेल मेंटेन कंडीशन में है। मैट वगैरह लगे हुए हैं। तो अंदर से जो कार है वो बिल्कुल भी वेल मेंटेन कंडीशन में है। तो सर आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो फाइनल प्राइस होगा इसमें हमारा 2,80,000 का। फाइनल प्राइस है इसका 2,80,000 जी, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स है, 2,80,000 ही आपको पे करना पड़ेगा विदाउट पेइंग इंश्योरेंस चार्जेस एंड ट्रांसफर चार्जेस। तो चलिए अगली कार के बारे में जानते हैं। अगली कार ओमनी, जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा जगह होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। एंड आप लोगों को ओमनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं आपके लिए ओमनी का भी वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए इसके बारे में सर से जानते हैं। ये 2016 मॉडल ओमनी है, 2016 हजारीबाग रजिस्टर्ड है। नंबर प्लेट की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हजारीबाग नंबर प्लेट है। सारे ग्लास वगैरह इसमें ओरिजिनल है, जो कि आप शोरूम का टैग आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं अपने। ऑनरशिप की बात करें तो सेकंड ओनर गाड़ी है, सेकंड ओनर ओमनी है। आप देख सकते हैं पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल, पेट्रोल में। तो अब मैं आपको इसके टायर की कंडीशन दिखा सकती हूँ। न्यू टायर है, टायर जो लगे हुए वो न्यू है, अपोलो की टायर है। और मैं आपको इसका साइड व्यू दिखा दूँ, जो कि आप स्क्रीन पे बैक एंड साइड व्यू देख सकते हो। अब मैं आपको इंटीरियर दिखाती हूँ। स्टीयरिंग आप देख सकते हो इसके साथ, सीट की कंडीशन वेल मेंटेन कंडीशन में, म्यूजिक सिस्टम आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड अंदर से जो बैक सीट है वो भी देख सकते हो, मतलब इसमें जो सीट है ना वो बिल्कुल भी वेल मेंटेन कंडीशन में है। एंड अभी आपने जो कार के अंदर डस्ट वगैरह देखा था वो सब आपको क्लियर करके मिलेगा। तो सर आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। प्राइस की बात करें तो हमारा फाइनल प्राइस इसमें होगा 2,05,000। 2,05,000 इसका कॉस्ट प्राइस है। और आप साइड में देख सकते हैं माइनर स्क्रैचेस वगैरह हैं, जो कि ओरिजिनल पेंट होने की वजह से हम लोगों ने चेंज नहीं कराया, इसको टचअप नहीं कराया। कस्टमर ऑन डिमांड अगर करेंगे कि ये टचअप करा के देना है तो हम लोग करा के देंगे विदाउट कॉस्ट। तो चलिए अगली जो कार है वो भी ओमनी है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये 2015 की गाड़ी है, ये भी काफ़ी मेंटेन में है, फुली ओरिजिनल पेंट में है। अच्छा। क्रोम वगैरह सारा कुछ फिटेड है ऑलरेडी। कस्टमर्स को इस गाड़ी को लेने के बाद एक रुपये का भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है करना। 61,000 ओरिजिनल चली हुई है। अच्छा। जो कि विथ रिकॉर्ड है, इसका सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा ओरिजिनल कलर में, फुली ओरिजिनल कलर। नंबर प्लेट की बात करें तो आप देख सकते हो रांची नंबर प्लेट है स्क्रीन पे। तो चलिए अब इसके टायर की कंडीशन में आपको दिखा दूं। तो टायर की कंडीशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा इसका बैक टायर।
तो अब मैं आपका आपको इसका साइड व्यू दिखाती हूँ एंड बैक व्यू। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओमनी को ऑल ओवर व्यू। तो चलिए अब इसके इंटीरियर को मैं दिखाती हूँ। अंदर से आप देख सकते हो गाड़ी वेल मेंटेन कंडीशन में, सीट की कंडीशन अच्छी है। आपको इसके साथ म्यूजिक सिस्टम मिल जाएंगे, स्टेरिंग एंड नॉर्मल ग्लास विंडो मिलेंगे आपको। सीट पे थोड़ा मोड़ा डस्ट आप देख सकते हैं जो कि हवा की वजह से है, तो वो सब आपको क्लियर करके मिलेगा। सर अब आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। प्राइस की बात करें तो हमारा फाइनल प्राइस इसमें होगा 1,98,000। 1,98,000 में आपको ये ओमनी मिल जाएगी। फिक्स प्राइस है? फिक्स प्राइस। चलिए अगली कार के बारे में जानते हैं। इसके बारे में बताइए। ये 2012 मॉडल KTN VXi, फुल्ली अनटच गाड़ी है ये। ओके। किसी भी प्रकार का कोई टचअप इसमें अभी तक नहीं किया गया। फुल्ली अनटच मतलब फुल्ली अनटच। वेरिएंट कौन सा? VXi है, टॉप मॉडल। पेट्रोल है या डीजल? पेट्रोल। ऑनरशिप की बात करें तो? ऑनरशिप की बात, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला हुआ है? किलोमीटर लगभग 57 या 58 होगा। 57। अच्छा, नंबर प्लेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रांची नंबर प्लेट है। तो चलिए आपको मैं इसके टायर की कंडीशन दिखाती हूँ। स्क्रीन पे आप टायर की कंडीशन देख सकते हो। तो गाइज अभी आपने इस कार का टायर देखा जो कि थोड़ा घिसा हुआ है। तो अब चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाती हूँ। इंटीरियर व्यूज अगर आप मेरे से सीट के बारे में पूछे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीट जो है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, तो वो सब शायद आपको क्लियर करके यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसके साथ म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे, एसी मिल जाएंगे, हीटर मिल जाएगा। तो सर अब आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। प्राइस की बात करें तो हमारा कॉस्ट प्राइस इसमें होगा 1,60,000 का। 1,60,000 आपको इसका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। फिक्स है या फिर ऑन टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएबल? तो आपको ऑन द टेबल थोड़ा मोटा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अगली कार के बारे में जानते हैं। ये कार हमारे पास 2016 की शेवरली बीट थी जो कि सेल हो चुकी है। अच्छा, सेल हो चुका है, आज इसकी डिलीवरी है। तो गाइस सॉरी फॉर दिस, ये कार जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेल हो चुकी है। फिर भी मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दिखाना चाहती हूँ, आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हो। 26,000 ये विथ रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी थी। अच्छा, फुली अनटच गाड़ी थी। ओके। जैसा कि ये कंपनी बंद हो चुकी है तो इसीलिए यूजुअली लोग ये गाड़ी डिसलाइक करते हैं या फिर लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत कम यूज और काफ़ी मेंटेन में गाड़ी थी इसलिए हम लोगों ने ये गाड़ी ली थी एक्सचेंज में। अच्छा, और ये सेल भी होगी। ओके, तो चलिए गाइस बिना देर के दूसरी गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए। ये गाड़ी 2005 की गाड़ी है, 2005 मॉडल। 2005 मॉडल है जी, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि 2025 तक इसका आपको टैक्स पेड और फिटनेस किया हुआ है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। बहुत तो अच्छी बात है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। जिनकी भी गाड़ी थी ये काफ़ी मेंटेन में और काफ़ी अच्छे घर की गाड़ी थी। अच्छा। तो ये काफ़ी मेंटेन में थी, बहुत कम चली हुई गाड़ी। ओरिजिनल पेंट में? फुली ओरिजिनल। और ओनरशिप की बात करें तो? ओरिजिनल ओनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर। तो गाइज अभी मैं आपको इसके टायर की कंडीशन दिखाना चाहती हूँ। इसका नंबर प्लेट की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रांची नंबर प्लेट है। तो चलिए इसका इंटीरियर देखते हैं। तो गाइस आपको इसके साथ नॉर्मल पावर नॉर्मल क्लास विंडो मिल जाएंगे। आपको इसके साथ म्यूजिक सिस्टम एंड एसी मिल जाएंगे, हीटर भी अवेलेबल है और सीट की कंडीशन अच्छी तो नहीं है बट हाँ मेंटेन कंडीशन में आप देख सकते हो। तो सर अब आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। प्राइस की बात करें तो हमारा फाइनल प्राइस इसमें होगा 1,00,000 का। 1,00,000 इसका कॉस्ट प्राइस है, फाइनल है। 5 साल का रजिस्ट्रेशन और टैक्स फिटनेस ऑलरेडी पेड। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको 5 साल का टैक्स एंड फिटनेस आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगली कार के बारे में जानते हैं। अगली कार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो चलिए इसके बारे में आप बताइए कुछ। ये 2013 लास्ट की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर VDI जो कि डीजल इंजन में है। 65,000 किलोमीटर ओरिजिनल ड्रिवन है ये। अच्छा। अभी तक
और अनटच गाड़ी है ये भी, किसी भी प्रकार का कोई इसमें टचअप वगैरह नहीं है। फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर, पेपर अप टू डेट, इंश्योरेंस रनिंग है इसमें। इंश्योरेंस किसी भी कस्टमर्स को, इसमें वन ईयर का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। ओके, तो गाइस अब आप नंबर प्लेट की बात करें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं ये रांची नंबर प्लेट है। एंड चलिए मैं आपको इसका टायर का कंडीशन दिखा दूं। टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं, टायर जो थोड़ा मोड़ा घिसा हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओवरऑल आप साइड व्यू इस कार का देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड मैं आपको इसका बैक प्रोफाइल दिखा दूं। तो चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। तो आपको इसके साथ 4 पावर ग्लास विंडो मिल जाएंगे विद पावर स्टेयरिंग, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एसी एंड हीटर। तो आप आराम से गर्मी में इंजॉय कर सकते हो ठंडा कूल कूल एसी का। एंड सीट की कंडीशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, थोड़ा मोड़ा स्क्रैचेस है मैं आपको दिखा दूँ तो वो सब आपको मेंटेन करके मिलेगा। तो सर अब आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। कॉस्ट प्राइस हमारा इसमें होगा 3,30,000 का। 3,30,000 आपको इसका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। फिक्स है? फिक्स प्राइस है। इसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको करके मिलेगा। अच्छा, और आपको ट्रांसफर करके मिलेगा, नेम ट्रांसफर आपके नाम पे। नेम ट्रांसफर इसका चार्जेस फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको इसका कार का कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा। तो सर आप एक बात बताइए कि अगर कोई आपके यहाँ से कार परचेस करता है तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है? कार की एश्योरिटी होती है कि हम लोग नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी देंगे, गाड़ी चैलेंजिंग प्राइस में देंगे, और हमारा प्राइस वो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्राइस नहीं रखा है किसी भी गाड़ी का। फिर भी अगर किसी कस्टमर को ऐसा लगता है कि प्राइस अगर थोड़ा कम होना चाहिए इसका, तो गाड़ी का आप कंडीशन एक बार सामने से आके देखिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि गाड़ी का प्राइस मॉडल के हिसाब से उतना क्यों रखा गया है। क्योंकि गाड़ी का क्वालिटी होता है, एक होता है मॉडल के हिसाब से गाड़ी ज़्यादा चली हुई या फिर मीटर वगैरह डाउन किया हुआ, तो वो सब गाड़ी हमारे यहाँ आप उस वो सब चीज़ के लिए एश्योर हो सकते हैं कि आपको वो सब गाड़ी यहाँ पे नहीं मिलेंगी। ओके, गाड़ी फ्रेश देंगे और गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई कुछ काम होगा, यहाँ तक कि एसी में अगर गैस भी नहीं होगा तो हम लोग वो भी करा के देंगे। कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ही हमारा मोटिव है, और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। तो एआर डीलर्स का जो है मेन मोटिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अगर आप यहाँ के वीडियो से सेटिस्फाइड हो, एटलीस्ट एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कार की वीडियो मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू योर बजट मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई फाई वाले ही ले सकते हैं, छोटे मोटे लोग भी आकर यहाँ से कार परचेस कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको आज का सेकेंड हैंड कार का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। किसी और कार के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एंड सर ने अभी बताया आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताओ। इंस्टाग्राम पे हमारा एयर ऑटो का एक आईडी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो भी न्यू स्टॉक आएगा, आप इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आपकी आईडी दिख रही होगी तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट स्टॉक आएगा हमारे पास, हर बार वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टॉक चेंज होते रहता है, तो जो भी न्यू वीडियो न्यू गाड़ी आएगा हमारे पास वो आप हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो गाइस मैं सर का आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके सर के इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सर वहाँ पे लेटेस्ट कलेक्शन की जो भी कार आई हुई रहती है शोरूम में वो वहाँ पे पोस्ट करके, क्योंकि यहाँ पे बार बार आके वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं होता, और कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट करने से पहले ही कार बिक जाती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके कार परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।